और सभी से कह रहा हूँ, सब लोग अपने दोस्तों को बुला। देखो मध्य प्रदेश बन गया भ्रष्टाचार का गढ़ और अभ्यर्थियों का तो भविष्य हो गया बर्बाद। और इन कोचिंग वालों को भी समझना पड़ेगा, देखो कोचिंग हमारे अभ्यर्थियों से तुम से नहीं चल रही है, तुम भी एक दिन अभ्यर्थी आए थे तब तुम सक्सेस नहीं हो, इसलिए तुम टीचर बन गए, लेकिन आज तुम अपने आप को भूल रहे क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो। तो आज अपने लोगों को अपना व्यापार बचाने के लिए बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में लगे, अलग अलग भगवा रहे बच्चों को। क्या बच्चों ने गलती की, तुम पे विश्वास करके तुम पे भरोसा करके अलग अलग बुला रहे। जब सब टीचर मिलकर ये बोले थे कि डीडी गार्डन से हम पैदल मार्च निकालेंगे ताकि पूरा इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश में देश में ये मानते बात जाए कि हजारों की संख्या में युवा रोड पे। और आज आपने अलग अलग तोड़ा बच्चों को, आप गुनाहगार हो, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो मैं सही कह रहा हूं बच्चों, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने जिनपे भरोसा किया ना वो टीचरों की गलती है। हमने तो ईमानदारी से हम तो सबके साथ खड़े हैं, आज भी अगर बोलेंगे तो साथ आने तैयार है, लेकिन ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना। हमने 17 से लड़ाई लड़ रहे, लेकिन हमने कभी किसी के सामने ना तो घुटने टेके ना हाथ टेकेंगे। आगे बढ़ने का सोचा है हमारा सर कलम हो जाए इस आंदोलन, हमारी कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे पीछे नहीं, अब हम घोटाला तीन पूरा उजागर करेंगे। तो बोल रहे हैं अगर आप नहीं गाय पाओगे इसमें व्यापक तौर तो हम पूरे मध्य प्रदेश में हुए वहां के गाड़ देंगे। मैं ये कह रहा हूँ व्यापक पे बुलडोजर चलना चाहिए, टीचर के व्यापक पे चलना चाहिए, व्यापक पे अधिकारी इसमें पूरे लिप्त है। जब सर्वर एक होता है इसमें सर्वर एक होते एग्जाम आपको कंट्रोल किया गया, और जब सर्वर एक होता है सबसे मेन सर्वर होता है व्यापक का, व्यापक को पता होता है फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन व्यापक छूट होता है उसको कुछ रुपये मिलता है। इसलिए दोस्तों इस बार लड़ाई सीधे हमको कंट्रोल चलवाना है व्यापक पे, व्यापक के सिवा किसी को फिक्र कराओ और हमारी शुरू से मान भी व्यक्ति सत्य कर ले। मध्य प्रदेश में ऐसा कानून बने जो भी व्यापक घोटाला करे उसको आए विरोध कराओ, वो अपने बच्चों का मुंह ना देखता है, और ये जितने भी फर्जी उसमें पैसे देते इनके परिवार के बच्चों को भी एग्जाम में ना देखने दिया जाए। इस तरह का कानून होगा तब मध्य प्रदेश का सुधार होगा, ये तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश की। आज हम बर्बाद हो चुके हैं, हम किससे अरे ये बोलते हैं विपक्ष का आंदोलन है। मैं आज मुख्यमंत्री के यहाँ काले ऐलान करता हूँ, बुलाओ हमको, पूरा प्रदेश का बच्चा आने को तैयार है। हम लोग हमारी पट्टी आ रही है, एक भी हमारी पट्टी आ गई है। हम लोग सारी बहने जो बहने आई है महिलाएं पहला आपको करना पड़ेगा, तो यही किया आज बात करेंगे यहाँ सभी बच्चे आते हुए सभी सपोर्ट करें, तीन जिले में करें इस फर्जीवाड़े के विरुद्ध। ये आप सभी का आंदोलन है, एक दिन के लिए आंदोलन और हम लोग और हमें नाम भी लगाना है। न्याय दो, न्याय दो, बंद करो, जय मातरम, 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 जय जय गौतम फर्जीवाड़ा बंद करो। अंदर आ जाओ सब, अंदर आ जाओ सब, अंदर आ जाओ सब, अंदर आ जाओ। जब तक आप सभी लोग अपने साथियों को बुला लें जिससे संख्या बल देखेगा तो हम अच्छा असर दिखा पाएंगे। 10 लाइब्रेरी के बच्चे आते हैं और सभी से कह रहा हूँ सब लोग अपने दोस्तों को बुला। देखो मध्य प्रदेश बन गया भ्रष्टाचार का गढ़ और अभ्यर्थियों का तो भविष्य हो गया बर्बाद। और इन कोचिंग वालों को भी समझना पड़ेगा, देखो कोचिंग हमारे अभ्यर्थियों से तुम से नहीं चल रही है, तुम भी एक दिन अभ्यर्थी आए थे तब तुम सक्सेस नहीं हुए, इसलिए तुम टीचर बन गए, लेकिन आज तुम अपने आप को भूल रहे क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो। तो आज अपने लोगों को अपना व्यापार बचाने के लिए बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में लगे, अलग अलग भगवा रहे बच्चों को।
क्या बच्चों ने गलती की तुम पे विश्वास करके तुम पे भरोसा करके अलग अलग बुला रहे। जब सब टीचर मिलकर ये बोले थे कि डीडी गार्डन से पैदल मार्च निकालेंगे ताकि पूरा इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश में देश में ये मानते बात जाए कि हजारों की संख्या में युवा रोड पे। और आज आपने अलग अलग तोड़ा बच्चों को, आप गुनाहगार हो। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो मैं सही कह रहा बच्चों, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने जिनपे भरोसा किया ना वो टीचरों की गलती है। हमने तो ईमानदारी से हम तो सबके साथ खड़े हैं, आज भी अगर बोलेंगे तो साथ आने तैयार है, लेकिन ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना। हमने 17 से लड़ाई लड़ रहे, हमने कभी किसी के सामने तो घुटने टेके ना आज टेकेंगे। आगे बढ़ने में सोचा हमारा सर कलम हो जाए इस आंदोलन, हमारी कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे अब हम घोटाला तीन पूरा उजागर करेंगे। तो बोल रहे हैं अगर आप भी गाड़ पाओगे इसको व्यापक तौर, तो हम पूरे मध्य प्रदेश में हुए वहां के गाड़ देंगे व्यापक। मैं ये कह रहा हूँ व्यापक पे बुलडोजर चलना चाहिए, टीचर के व्यापक पे चलना चाहिए, व्यापक पे अधिकारी इसमें पूरे लिप्त है। जब सर्वर एक होता है इसमें सर्वर एक होते एग्जाम आपका कंट्रोल किया है, जब सर्वर एक होता है सबसे मेन सर्वर होता है व्यापक का। व्यापक को पता होता है फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन व्यापक छूट होता है उसको कुछ रुपये क्या मिलता है। इसलिए दोस्तों इस बार लड़ाई सीधे हमको चलवाना है व्यापक पे, व्यापक के सिवा किसी का पकड़ाओ और हमारी शुरू से मान भी व्यक्ति सत्य के लिए मध्य प्रदेश में ऐसा कानून बने जो भी व्यापक घोटाला करे उसको आए तुरंत कारावास हो, वो अपने बच्चों का मुंह ना देख पाए। वो ये जितने भी फर्जी में पैसे देते इनके परिवार के बच्चों को भी एग्जाम में ना देखने दिया जाए, इस तरह का कानून होगा तो मध्य प्रदेश का सुधार होगा। तो शिक्षा व्यवस्था बहुत हो चुकी है मध्य प्रदेश की, आज हम बर्बाद हो चुके हैं। हम किससे अरे ये बोलते विपक्ष का आंदोलन है, मैं आज मुख्यमंत्री के यहाँ से आगे ऐलान करता हूँ, बुलाओ हमको, पूरा प्रदेश का बच्चा आने को तैयार है। हम लोग हमारी तख्ती आ रही है, एक में हमारी तख्ती आ गई है। हम लोग सारी बहने जो बहने आई है महिलाएं नहीं होगी, पहला आपको करना पड़ेगा तो यही किया। आज बात करेंगे यहाँ सभी बच्चे आते हुए सभी सपोर्ट करें, तीन जिले में करें इस फर्जीवाड़े के विरुद्ध। ये आप सभी का आंदोलन है, एक व्यक्ति का आंदोलन। और हम लोग यहाँ पे न्याय दो, न्याय दो, बंद करो, जय मातरम, 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 जय जय गौतम फर्जीवाड़ा बंद करो। अंदर आ जाओ सब, अंदर आ जाओ सब, अंदर आ जाओ सब, अंदर आ जाओ। जब तक आप सभी लोग अपने साथियों को बुला लें, जिस संख्या बल देखेगा तो हम अच्छा असर दिखा पाएंगे। 10 लाइब्रेरी के बच्चे आते हैं।